की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, आप देख रहे डेस्टिनी न्यूज में आपके साथ मानसी मिश्रा। आज दिनांक 13 अगस्त अपराह्न 2 बजे से बिहार भाजपा कार्यालय से 22 तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूरे पटना शहर में घूमने के बाद सप्तमूर्ति शहीद स्मारक पहुंची। इस मौके पर मौजूद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। आज लखीसराय जिला के तिरंगा यात्रा देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 से शुरू किए हैं, यह तिरंगा यात्रा हर भारतीय का मान है, सम्मान है, स्वाभिमान है और राष्ट्र की एकता अखंडता का प्रतीक है। और तिरंगा हमारा जान से भी प्यारा है। इस तिरंगे के सम्मान के लिए युवाओं को इससे जोड़कर, हर भारतीयों को जोड़कर एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने का संकल्प को साकार करना है। यह अभियान लखीसराय से हलसी, फिर सुजगढ़ा और बरहिया में भी अलग अलग होगा। देखिए, आज राष्ट्रवाद की जरूरत है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अगल बगल के कंट्री में जिस तरह से लोकतंत्र को समाप्त किया गया, लोकतंत्र के हत्यारे बाहर के वातावरण से देश को कमजोर करना चाहते हैं, राजनीति को अस्थिरता लाना चाहते हैं। इसलिए आज राष्ट्रवाद की सबलता, प्रबलता और इसको प्राथमिकता के साथ एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का लोकतंत्र की मजबूती के लिए हमको सबके मन के अंदर राष्ट्रवाद का बोध कराना, राष्ट्रवाद के प्रति उसे जागरूक करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। आह्वान पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले घर घर तिरंगा अभियान को लेकर के आज लखीसराय में तिरंगा यात्रा उप मुख्यमंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के उपस्थिति में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में यह यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सभी राष्ट्रवादी संगठन का इसमें सहयोग प्राप्त है, उनकी सहभागिता भी है। तो ये यात्रा आज विद्यापीठ चौक से निकलकर लखीसराय बाजार होते हुए हलसी अम्बेडकर चौक पर माल्यार्पण करके एक यात्रा का यहाँ समापन होगा। दूसरी यात्रा दो बजे से सूर्यगढ़ा थाना से प्रारंभ होकर पैदल चलकर सैकड़ों की संख्या में वहाँ राष्ट्रवादी लोग रहेंगे, वो पैदल यात्रा पटेल जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके समाप्ति होगी। तीसरी यात्रा बरहिया नगर परिषद में है, बरहिया थाना से प्रारंभ होकर वो यात्रा सीधे लोहिया चौक तक जाएगी, वहाँ लोहिया जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके बरहिया की यात्रा समाप्त होगी। इस तरह से 3 यात्रा आज के दिन में लखीसराय जिला में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य है कि पूरे भारत में राष्ट्रवाद का एक लहर पैदा हो, राष्ट्रवाद का जो वेव है वो भारत में कम नहीं पड़ना चाहिए। ये यात्रा वैसे विचारधारा को चुनौती देगी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह का नारा भारत की धरती पर लगाते हैं, वैसे देश विरोधी तत्वों को हम इस विचारधारा के आधार पर इस भारत की धरती में ही दफन करने का उद्देश्य लेकर चले हैं। लोगों से अपील है कि प्रधानमंत्री जी का जो अपील है 13 से 15 तक कोई छत छूटे नहीं, सभी छत पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगे और लोग अपने इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करें। यह दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है, उससे भी एक दिन का पहले का 14 अगस्त का विभाजन विभीषिका दिवस हमारा कल है, जो लखीसराय शहीद द्वार पर 4 बजे मनाया जाएगा। जो हम इस बंटवारा में क्या खोए हैं इसका भी हम स्मरण करेंगे और संकल्प लेंगे कि जो हमारा भारत माता का टुकड़ा हुआ है उस टुकड़ा को हम कैसे एकीकृत कर अखंड भारत के तरफ हम बढ़ेंगे, इसकी बुनियाद हम रखने जा रहे हैं। यही विभाजन विभीषिका दिवस का भी उद्देश्य है।
राष्ट्र के हित में जितने काम होंगे नरेंद्र मोदी की सरकार में वो करी जा रही है और आगे भी करेंगे। ये जो देश विरोधी तत्व है इसी से पराजित होंगे। तो सुना आपने, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हर भारतीय के लिए तिरंगा आन बान शान है और एकता और अखंडता का प्रतीक है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे डेस्टिनी न्यूज के साथ। धन्यवाद।